एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक नूरपुर में स्पैजनिया गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 25 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने ममता त्यागी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 14,000 की आबादी एवं 4,700 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 951 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 272 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंप रिमोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 130 विद्युत पोल, 15 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। वहीं एवीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खटंजा पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, सरकारी ट्यूबवेल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पैजनिया से, जो हमारे ग्राम पैजनिया में जितना भी सरकार द्वारा धन दिया जा रहा है उसका मैं अपने ग्राम पंचायत में बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा हूँ, और जो भी हमारी सरकार और अच्छे से धन पैजनिया पर ग्राम पंचायत को देगी उसका हम बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत को और अच्छे ढंग से ध्यान में रखते हुए कुछ धन की और वृद्धि करें, यही मेरी सरकार से अपील है। धन्यवाद।